students, welcome to Tiwari Academy. In this video, we will solve question 1 and 2 of exercise 6.2. इस question में दिया हुआ है, find the value of x and y, then show that AB is parallel to CD. तो स्टूडेंट, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन को हम मान लेते हैं कि ये PQ लाइन है और ये जो इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं R और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं S. R और S पर ये इंटरसेक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन PQ, AB और CD को. हमने AB पैरेलल टू CD भी इसमें प्रूव करना है. तो इसमें देखिएगा, क्योंकि PQ आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो हम ये कह सकते हैं कि PRA ये एंगल और X एंगल ये लीनियर पेयर होगा. सो लीनियर पेयर के कारण x प्लस 50 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 180 माइनस 50 मीन्स 130 डिग्री. तो ये जो x होगा, दिस विल बी 130 डिग्री. अब आ जाइए इस क्योंकि PQ लाइन ट्रांसवर्सल लाइन इस CD को भी इंटरसेक्ट कर रही है S पॉइंट पर, और ये जो एंगल है y और 130 डिग्री, ये एंगल जो होंगे ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, और वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं. तो हम कह सकते हैं y विल बी इक्वल टू 130 डिग्री. इसका रीजन क्या देंगे, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, सो दिस x इज 130 एंड y इज 130. सो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130 डिग्री. इसका मतलब क्या है कि AB और CD जो लाइन होंगी, ठीक है, वो पैरेलल होंगी, क्योंकि ये जो x और y इस ट्रांसवर्सल लाइन PQ के लिए किस एंगल का काम करेंगे, अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. ओके, सो AB विल बी पैरेलल टू CD. We can say as alternate angle property y angle property okay, so AB will be parallel to CD. करते हैं सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में देखिएगा, इन फिगर इफ AB पैरेलल टू CD, ये दिया हुआ है कि AB इज पैरेलल टू CD. ओके, एंड CD इज पैरेलल टू EF. And y ratio z is equal to, this y upon z is equal to 3y7. Okay, so 3y7 means y को हम ले लेते हैं कि let y will be equal to 3k and z is equal to 7k. Okay, जब हम y और z को divide करेंगे तो answer क्या आएगा इसे, 3y7. Now from equation 1 and 2 we can conclude AB CD के parallel है, CD EF के parallel है, तो AB किसके parallel होगा, EF के भी parallel होगा. AB EF के parallel होगा. Okay, now अगर AB EF के parallel है तो जो angle X है हमारा वो किसके equal होगा, Z के इक्वल होगा. क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये जो एंगल होंगे ये अल्टरनेट एंगल होंगे, एंड प्रॉपर्टी क्या कहते हैं अल्टरनेट एंगल के, कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. सो वी कैन से X विल बी इक्वल टू Z. दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स. सो X विल बी इक्वल टू Z. Now, this angle will be
z, okay. So as y is equal to 3k and z is equal to 7k, so and these two angle x and y will be equal to 180 degree, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है. सो दिस एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. सो व्हाट इज दिस, एज वी हैव प्रूव्ड एक्स इज इक्वल टू जेड, सो पुट एक्स इज इक्वल टू जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो जेड इज 7k एंड वाई इज 3k, this is equal to 180 degree. So 7 and 3, 10k will be equal to 180 degree. और दोनों साइड को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो k की वैल्यू हमें मिल जाती है 18 degree. So k is 18, means y will be equal to 3 into 18, means 54 degree. And z की वैल्यू क्या होगी, 7k means 7 into 18, this will be equal to 126 degree. Okay, now we have to find out the value of x. So the value of x is equal to z. And what is z? Z is 126 degree. So the value of x will be 126 degree. Thank you for watching Tiwari Academy.